Hello children, this is the sixth part of the chapter Demon on the Hill. This is chapter number 13 from your book My English Garden. Children, in fifth part what we saw that very cleverly Mohini impressed the monster. वो monster को impress करती है and praising him a lot she offered him to be her husband. उसको ऑफर करती है कि वो उसका हस्बैंड बन जाए एंड लिसनिंग टू हर ही वॉज ओवर द मून. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था. राइट, सो लेट्स सी व्हाट ही रिएक्ट्स हियरिंग मोहिनी. वो मोहिनी को सुनकर वो क्या रिएक्ट करती है, सॉरी वो मॉन्स्टर क्या रिएक्ट करता है. वो क्या कहता है, ओ क्राइड द मॉन्स्टर blushing all red from toes of his feet to the hair on his head. His heart missed a beat, his eyelids fluttered. Why, yes, he gasped and stuttered. Right, so children, let's do it again first, then we'll have the meanings and then explanation. So wo bahut hi surprisingly bolta hai, oh cried the monster, blushing all red from toes of his feet to the hair on his head. His heart missed a beat, his eyelids fluttered. Why, yes, he gasped and stuttered. So now here in four lines the children different वर्ड्स आर रिटन बिफोर यू. बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक वर्ड लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें www देन वाई वाई यस. सो हियर द पोइट वॉन्ट्स टू टेल अस दैट द मॉन्स्टर स्टार्टेड नो स्टैमरिंग. वो हकलाने लगता है. राइट, सो हम जैसे मान लीजिए हमें कुछ बोलना होता है तो अगर हमें समझ नहीं आता, हम नर्वस होते हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं और हम पहले लेटर को थोड़ा खींचते हैं. जैसे I'm okay, actually ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उसको why बोलना था तो why बोलने के लिए उसे why, या फिर उसे yes बोलना था yes. right, तो इस तरीके से कुछ expression थे उसके. now we'll understand the meaning. so the meaning of blushing is when our face turns red out of नर्वसनेस. हम जब बहुत नर्वस होते हैं या बहुत ही शर्म आती है, वी फील नो शाय. जब हम शर्माते हैं तो वहाँ पर ब्लशिंग होने लगती है या ब्लश वर्ड यूज़ होता है और ब्लशिंग हमारे फेस पर होती है. टोज का मतलब है अंगूठा एंड हार्ट मिस्ड अ बीट का मतलब है एकदम से दिल की. व्हेन वी हियर समथिंग नो वेरी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, अगर हम एक ऐसी कोई न्यूज़ सुन लेते हैं जिसे हम जो हमें अच्छी भी लगती है और हमें उम्मीद भी नहीं होती है, तो उस टाइम हमारा जैसे लगता है दिल ठहर गया हो या फिर हमारे सांसें रुक गई हों. ठीक है, तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड मिसिंग हार्ट, सॉरी मिसिंग अ बीट. राइट, आईलिड्स का मतलब होता है पलकें, फ्लटर्ड का मतलब होता है झपकना एंड गैस्प्ड का मतलब होता है हाँफना या फिर गहरी सांस लेना एंड स्टटर्ड का मतलब होता है स्टैमर, इट मीन्स हकलाना. सो वो जब सुनता है मोहिनी हैज़ आस्क्ड हिम टू बी हर हस्बैंड, उससे कहता है वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि मोहिनी उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती है और मोहिनी बहुत खूबसूरत लड़की है. वो कहता है, वो चिल्लाता है अब खुशी से कहता, ओ ब्लशिंग ऑल रेड एंड हिज फेस टर्न्स रेड एंड फ्रॉम टोज ऑफ हिज हीट टू द हेयर ऑफ हिज हेड. और उस इवन उसकी जो फुल बॉडी होती है वो रेड हो जाती है, उसमें डिफरेंट रिएक्शंस होने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है. इतनी सर से लेके पाँव तक उसमें गूज बम्प्स होते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो नर्वस होने लगता है, वो शर्माने लगता है, वो ब्लशिंग करने लगता है. एंड हिज हार्ट मिस्ड अ बीट,
और जो उसका हार्ट है वो ऐसा लगता है कि ठहर जाएगा या ठहर गया. हिज हार्ट ही फील्स दैट हिज हार्ट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग फॉर अ मोमेंट एंड हिज आईलिड्स फ्लटर एंड ही स्टार्ट्स फ्लटरिंग हिज आईलिड्स. उसकी जो आईलिड्स होती हैं, जो पलकें होती हैं, वो बहुत जल्दी झपकने लगती हैं, खुलने और बंद होने लगती हैं. और आउट ऑफ नर्वसनेस ही स्टार्ट्स टेकिंग डीप ब्रेथ. उसको हाँफने लगता है बोलते हुए और उसको लंबी सांसें भरने लगता है. ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग व्हेन वी फील नर्वस और व्हेन वी आर सो हैप्पी. हम बहुत खुश होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. सो दिस ऑल थिंग दीज ऑल थिंग्स हैपन विद अस एंड सारी सिचुएशन में वो क्या होता है, वो हकलाने लगता है घबराहट के मारे और शर्म के मारे. मोहिनी सेड देयर इज़ वन कंडीशन दो. वो अब मोहिनी इज़ गोइंग टू पुट हर कंडीशन बिफोर हिम. उसके सामने कंडीशन रखने जा रही है. क्या कंडीशन रखती है, विल सी. मोहिनी कहती है कि एवरी थिंग इज़ फाइन, आई लाइक यू, आई गॉट इम्प्रेस्ड विद योर यू नो हैंडसम फेस एंड योर और योर स्प्लेंडेड बॉडी. वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी जो फिजीक है बहुत ही फिट है, लेकिन आई हैव अ कंडीशन फॉर यू. कहती मेरी एक कंडीशन है, बिफोर विद यू एज यू ब्राइड आई मे गो, यू मस्ट डांस विद मी एंड डू एज आई डू. Only then, my dearest, may I marry you. What does she say? Mohini said, there is one condition though, before with you, as your bride, I may go. You must dance with me and do as I do. Only then, my dearest, may I marry you. Now, Mohini kya kehti? Mohini says that, I will marry you, but I have a condition before I get married to you. वो कहती है कि इसके पहले कि मैं तुमसे शादी करूँ and I become your bride, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूँ और मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, being a bride of yours, तुम्हारी दुल्हन बन के तुम्हारे साथ जाऊँ, but मेरी एक condition है उसके पहले and you need to fulfill that condition and तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो condition तुम fulfill करो. वो कहती है दैट एज यू आर अ ग्रेट डांसर सो आई वॉन्ट यू टू डांस विद मी बट फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप करेक्टली. वो कहती है कि जैसे जैसे मैं डांस करूँगी तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, हर स्टेप जैसे मैं करूँगी बिल्कुल वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा. द वे आई डू यू ऑल्सो एज यू हैव टू डू. ठीक है ना, वो कहती देन ओनली माई डियर आई विल मैरी यू. तब वो कहती कि तभी मैं तुमसे शादी करूंगी. नाउ व्हाट भस्मा सेज, विल यू डांस विद मी भस्मा फॉर आर ट्रू लव सेक. क्या कहती, विल यू डांस विद मी भस्मा फॉर आर ट्रू लव सेक. Do just as I do with never a mistake. And remember, my dearest, if a slip you should make, all will be lost and my heart it will break. वो कहती है भस्मा, for the sake of our true love, will you dance with me? वो कहती है कि इस प्यार के खातिर क्या तुम डांस करोगे मेरे साथ. But make sure you should not make any mistake. If you slip a step, अगर तुम एक भी step miss कर दिए, slip कर दिए, my dear, you will lose me and my heart will be broken. तुम मुझे खो दोगे और मैं तुम्हें खो दूँगी और मेरा दिल टूट जाएगा. It means you will break my heart. So please, when I dance and the steps which I do, you need to follow each step finely. कहती बहुत अच्छे से तुम्हें इसको बहुत ही फाइन तरीके से उसे फॉलो करना पड़ेगा.
मॉन्स्टर कहता है नो विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही खुश होकर कहता है एनीथिंग एनीथिंग द मॉन्स्टर रिप्लाइड, एनीथिंग टू विन यू एंड मेक यू माई ब्राइड, देन लेट्स बिगिन, आर यू रेडी माई स्वीट, एंड मोहिनी जिंगल द बेल्स ऑन हर फीट. क्या कहता है मॉन्स्टर? मॉन्स्टर कहता है एनीथिंग एनीथिंग, द मॉन्स्टर रिप्लाइड एनीथिंग टू विन यू एंड मेक यू माई ब्राइड, देन लेट्स बिगिन, आर यू रेडी माई स्वीट, एंड मोहिनी जिंगल द बेल्स ऑन हर फीट. अब क्या जो मॉन्स्टर होता है वो तो वो अपने आप को बहुत ही महान डांसर समझता है. वो कहता है ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी कहो, एनी थिंग एनी कंडीशन यू पुट बिफोर मी आई विल श्योरली फुलफिल, मैं उसको पूरा करूँगा. तुम कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी कंडीशन रख सकती हो, मॉन्स्टर कहता है, क्योंकि मैं हर वो चीज़ करूँगा तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें जीतने के लिए, और तुम्हें अपनी ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, अपनी दुल्हन बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा. आई विल डू एनी थिंग टू विन यू एंड टू मेक यू माई ब्राइड, माई लाइफ पार्टनर. देन मोहिनी कहती है ओके इफ यू आर रेडी सो लेट्स बिगिन. वो कहते हैं कि अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं माई स्वीट हार्ट. और मोहिनी क्या करती है? शी जिंगल्स द बेल ऑन हर फीट. सो चिल्ड्रेन वो क्या करती है, अपने पैरों में जो घुंघरू, जो उसने बेल बांध के आई थी, घुंघरू बांध के आई थी, उसको बजाना शुरू कर देती है. इट मीन्स वो डांस करना शुरू करती है. सो जैसे ही वो डांस करती है उसकी पायल बजने लगती है जो उसके पैरों में बंधी हुई थी, राइट? सो शी स्टार्ट्स जिंगलिंग द बेल्स विच आर ऑन हर फीट, जो उसके फीट पर बंधे हुए हैं. चिल्ड्रन आपको याद होगा बिफोर लीविंग हर विलेज वो क्या करती है, शी पुट्स बेल्स ऑन हर फीट. आपको याद होगा कि वो अपनी जगह से, अपने गांव से निकलने से पहले वो क्या करती है, वो अपने पैरों में पायल बांध लेती है, ठीक है? सो दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ टाइंग बेल्स ऑन हर फीट. ये एक रीज़न था अपने पैरों पे बेल बांधने का, राइट चिल्ड्रन? आई होप दैट चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस दीज पैराग्राफ्स दीज स्टैंजास. नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन. वाई डज द मॉन्स्टर ब्लश? वाई डज द मॉन्स्टर ब्लश? जो मॉन्स्टर होता है वो ब्लश क्यों करने लगता है? वो उसका रेड सॉरी उसका फेस लाल क्यों पड़ने लगता है? क्वेश्चन नंबर टू. Why does his heart miss a beat? Why does the monster's heart miss the beat? उसका वो क्यों अपने ना उसका उसे ऐसा मॉन्स्टर को लगता है उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना नर्वस हो जाता है वो? क्वेश्चन नंबर थर्ड. What condition does मोहिनी put before the monster? वो मॉन्स्टर के सामने कौन सी कंडीशन रखती है? क्वेश्चन नंबर फोर इज बिफोर स्टार्ट बिफोर द डांस व्हाट डज मोहिनी आस्क हिम टू फॉलो? Before dance या before dancing what does Mohini ask monster to follow? Dance करने से पहले उसको वो क्या follow करने को कहती है? Question number five. What is the monster's reply? Monster का reply क्या होता है when Mohini put condition, जब मोहिनी condition रखती है, when मोहिनी puts the condition, how does he react? उसका react क्या होता है, वो react कैसे करता है, and उसका reply क्या होता है, how does he reply, what does he reply, and how does he react to मोहिनी's
कंडीशन और टू मोहिनीज ऑर्डर, वो कैसा रिप्लाई करता है. सो चिल्ड्रन, दीज आर द 4 to 5 क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज पैरा दीज स्टैंजाज ऑल्सो. चिल्ड्रन, अगेन आई वुड रिपीट माई वर्ड्स, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज केयरफुली, ट्राई एंड अंडरस्टैंड each stanza on your own after watching the video, and then try to answer the question which are asked in the end of the video. Children, till then, bye bye.